ये देख लो, वही हमारी पुरानी गली जहाँ आप हमेशा देखा करते थे। तो अब जा रही हूँ मैं अपने घर की तरफ, और हमें मार्केट भी जाना है, कई काम है। अभी मैं मम्मी के पास नहीं गई हूँ, बाद में काम फ्री करके जब भी जाऊँगी फिर वहाँ बैठ के ना फिर उठा ही नहीं जाएगा, इसलिए देखो चल गया कितना। ये पहले इसके लिए भी नारियल तेल लेंगे और सांस फूल जाएगा। आपको पुरानी गली दिखा रही थी, मतलब ये पिंकी हर के यहाँ से जाते हैं तो वो गली है, वहाँ जाके दिखाएंगे बाकी आपको अपना घर। मम्मी जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप मैक्स मैक्स हाँ मैक्स मैडम मुझे उसी रैन छोटा था तब भी मेरे को डर लगता था उससे, अब तो और भी खास बड़ा हो गया होगा। जब भी भूल आई तो जी यहाँ पे जाके हम कुछ सरप्राइज हो गए, क्योंकि भाभी वॉशरूम में थी और घर पे कोई भी नहीं था इस टाइम पे, और बच्चे इसी में सो रहे थे। तो मुझे भैया नीचे मिल गए थे, भैया ने भी भाभी को फ़ोन किया था तो फ़ोन अटेंड नहीं हुआ था क्योंकि भाभी बाहर नहीं थी। तो हम भाभी को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है, ये हम अपने घर जा रहे हैं। आप देख सकते हो खाली पड़ा हुआ है, आप सबको दिखाएंगे आगे। और भाभी से मिलने की भी खुशी, वो हो बहुत अच्छा लगा भाभी से मिलके भी। तो भाभी जब आई, अभी आएंगी भाभी तो आप सबको भी अच्छा लगेगा। तो सरप्राइज हम दे रहे थे भाभी को, उल्टा हम सरप्राइज हो गए। हमें तो लगा कि भाभी योगा क्लासेस भी चली जाती हैं और कहीं बाहर अंदर भी जाना होता है, लेकिन भैया मिले तो ये तो कन्फर्म था कि हैं तो घर पर ही, छत पर हैं या कहाँ हैं वो हम देख रहे थे। और भाभी मिली हमें वॉशरूम में तो नहाने गई हुई थी भाभी, तो फिर बाद में पता चला बैल बजाए जा रहे हैं हम। तो फिर भाभी बेचारी जल्दी जल्दी से, भाभी को खुद ही नहीं पता सरप्राइज देने का मतलब यही होता है, पहले बोल के जाना चाहिए सच। आपको कोई बात नहीं, अपने घर बैठे के बाद सरप्राइज का तो दिखाया है भैया ने भी आपको कॉल किया होगा, भैया ने आपको आप तो नहीं आए ना मिलने, कुछ भी नहीं हुआ, हम भी काम छोड़ दिया, कुछ भी नहीं हुआ। अब शुरू करो, सुबह सब्जी रात की रखी गरम कर, ये रात की सब्जी है गरम करती हूँ, अभी नाश्ता बना। पहले मैं यही रुक रही थी, पर मुझे समझ में आया कि वो कह रहे हैं कि यात्रा मंदिर के पास है क्या चीज है जो इन्होंने गणेश जी रखे हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ है खड़ा है। हाँ तो फोन किया था नवीन साहब ने, हाँ तो मुझे नहीं पता कहाँ है, हाँ तो फोन किया उन्होंने तो बताया तो पड़ेगा ना, अभी मैं मत देख रही हूँ ठीक भी आ रही है। हाँ अगर हिम्मत पड़े तो चलना, नहीं तो कोई बात ना बात हो गया ना, है ना हिम्मत पड़े तो पेट्रोल पंप है ना रिक्शा वगैरह ले कीड़े बाहर निकले जाने, मैं अपने ना मैं उपले आ जाएंगे, अभी रातों में बिकेंगे ना बहुत, घबराते हुए। ये दुकान बंद हो गई, कौन सी तो रखा है नीचे,
जा वरना अभी खुलती खुली होगी, दो उपले तो रखे हैं वो हमने मंगाए कई बार। अब यो ना तो मैं पिछले लगे दस रुपए का एक, कोई बात नहीं पाँच छह ले आऊंगी मैं गाय रख रूंगी मैं यहाँ बेचने बैठा बहुत कमाई है बोलो मैं भी मुकला इतना छोटा सा वो दस रुपए का बिकेगा कमाई है और वहाँ पर पूछता भी नहीं है गाँव में भी है ना सबके घरों में गाय रहती है ये है ना। अब हमारे पास इतना अच्छा टॉपिक होगा मेरा भाभी के पास की भाभी शहर की बात करते रहे मैं गाँव की ले ऊपर ले आने रेल गाड़ी बेचने के लिए बैठ गए यही बैठे हैं दस रुपए अब दूंगा ले जाएगी हाँ। आठ का कर देंगे हम दस की जगह हाँ बहुत बिकेंगे हाँ। तो आठ का दे रही है सस्ता है हाँ। साइज थोड़ा बड़ा रख लेंगे बताओ आपकी उससे डर गई की डर से अरे ये बहुत हो गए उसके अंदर ऐसे ही होते हैं वाइट कलर के ऐसे ही मुझे क्या पता था अकेले आज बार पता लगे भी करके खाते अरे गाय का गोबर आपको गोबर आने नहीं आती ना उपले उपले तब बनाती ना मैं ऐसे खिला तो सूख जाएगा मैंने करना उसको उसके डाल मौसम उपले उठते भी नहीं है अच्छा तो गर्मी में होते हैं ये अब जब नवरात्रों उपले नवरात्रों में बनते हैं नवरात्रों के बाद बनाने या नवरात्रों में मौसम में उपले नहीं बनते बारिश के मौसम में ये तो सुबह सुबह बाल के खा के देखते हैं भर के ऊपर से सारे बंद ये यार मुच्छी के बाद उसके सामने घर नहीं है तो जो भी है तो वो कह रहे हैं तो मैंने जो गोबर मैं गया कुछ बार मुझे थोड़ा सा उपलोग हुई थी मैं यही ले लिया वो मैंने ले तो थोड़ा मतलब फिर भी पुराना भी हो गया कई आज आज कर रहे हैं वो मैं पीछे लगा पड़ा मेरी बुआ ने बनाए एक चूल्हा उसमें करना क्या बस खाली यही बैगन में भुनेंगे और कुछ नहीं होगा रोटी बनाने रोटी बनाने रखा जाएगा उसमें पहले आज कर लो ऊपर उस हिसाब से मैंने कभी नहीं बनाई पर बनाने वाली बना मैं गर्म कर लो पहली ओटे इसमें दूध गर्म कर मेरी बात नहीं क्या जो आप ऊपर चूल्हा पड़ा है उसमें तो अच्छा अच्छा मतलब उसमें वो कैसे लगा सरियल हाँ वो कैसे रखोगे वो ऐसे गोल गोल ऐसे रखोगे वो ऐसे रखेंगे मैं बताऊंगी आपको जैसे कि वो गोल हो गया इस तरह से अंगीठी होगी गोल हाँ उसके अंदर है ना ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के ईटे वो लगा देंगे उपले 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 लगा दिए बीच में आंच जला दी थोड़ी देर उसे सिलगने दो फिर उसको दूध रख देंगे नहीं तो उपले जब जल जाएंगे तो गिरेगा नहीं नीचे बैठ के चली जाएगी ये जिनको चला उसके ऊपर गैप ना सरिया लगा उसके ऊपर आग रखा जाएगा वो चूल्हा और मतलब बर्तन रखे ये शुरू से ही दादी हर हमारी इस पे दूध दूध गर्म करती आई है गाँव में तो ऐसी हो गए दलिया बने इस पे मैंने पहली बार देखा ना बहुत चलो ये लो आपने पहली बार देखा हाँ, तो वो चला मैंने पहली बार मुझे नहीं पता कि आपको नहीं पता आप कह रहे हो अंगीठी बोले पहले मैं लिखने में लगी थी भाभी ये चिल्ला कहाँ से लिए बड़ा अच्छा मैं लोग मजाक उड़ाएंगे मैं लिखती छोड़ बोले मैं वो कहती कि और होता है अब वीडियो बन रहा है मैं अब भी लोग मजाक कर भाभी कह रही हो उसे चूल्हा मैं सच्चे मैं कह रही भाभी ये चिल्ला कहाँ से लिए मुझे भी लेते हैं कोयले डलते हैं कोयले भी डाल दूंगी उपले भी कैसी है मजे उसको भिगो के छत पे सुखा के बनते नहीं थे आपको नहीं पता मुझे तो हमें पता ही नहीं पहले मैंने भी नहीं हमारे तो जड़ते नहीं उपलाव इतने बहुत हो जाते होंगे कभी जरूरत नहीं पड़ी वहाँ तो कोयले फ्री के मिल जाते होंगे आपको है? अब मम्मी घर पास फ्री उपले के अब हम गाय रखेंगे वहाँ रखोगे ना यहाँ तुम रखोगे भाई वही सोसाइटी में पिटवा दो वहाँ से किसी रखेंगे किसी रखो वहाँ सोसाइटी के अंदर अलाउड नहीं है कोई कुछ बेचने वाला भी नहीं आ सकता कोई नहीं आ सकता लगे
बच्चे भी कहीं घूम हो गए पता चलेगा कि रहते कैसे। आप ना बनाते तो यही ले लेते फ्लैट, या तो जब हमें पता नहीं था भाभी कि इस तरह के फ्लैट नहीं बनाना, तो अपने बाद में शुरू किया है ना, शिफ्ट मारने हुए थे वो गड़बड़ी होगी ना, बनाते ना पहले जब तो भराव भी हो गया था। हाँ, अगर पहले ना बनाते ना तो वो इतना पैसा आपको लगे तो फ्लैट आ जाता फिर नहीं फ्लैट में रहने का भी भाभी कोई। अगर अभी सोचो अभी के लिए फ्लैट ठीक है, आगे के लिए फ्लैट ठीक नहीं है, शादी वादी में या कुछ सभी कुछ ही है, फिर हर चीज़ के लिए ना फ्लैट बहुत छोटा पड़ रहा है गेस्टों में, फिर बड़ा फ्लैट मिल जाता है। जब हमारे पास ऑप्शन है खुले में रहना का, मैं तो कह रही हूँ आप भी आ जाओ, मैं ही बनाऊँ बराबर में। जब ऑप्शन है तो खुले में रहो, एक हो गया ना कहीं सामान रखो, सामान भी आपको पता है अब आपके दो फ्लोर हो गए आप कर सकते हो, जब एक हो गया ना तो बड़े हिसाब से रखना पड़ता है, ये चीज ना इस तरह से रखना पड़ता है, हम परेशान होने लगे रखना पड़ता है सामान, हम भी तो मैं निकालती रहती सामान फालतू में निकालो कहाँ रख के जगह। अभी के अभी अगर हो सका ना तो अभी ऊपर बड़ा हॉल गिरवाऊंगी, कोई हॉल में हाँ कोई फंक्शन भी करना हो जैसे दीदी तो सब ऐसा बटके ना सो है एक ये वैसे ही आप नीचे बड़ा हो जाएगा, सब इकट्ठा नीचे बहुत बड़ा हो जाएगा इतना आपके। हाँ नीचे फिर भाभी कमरे हो गए ना ज्यादा ही, वो तो छोड़ोगे खुला थोड़ा। यू कह रहे हैं कि इतनी ही लंबी लोबी मतलब चौड़ी तो इतनी है, लंबाई तो खैर उसकी काफी है, उसकी 24 है, ज्यादा नहीं है, ये 12 है। हाँ तो डबल हो गया इसका, 24 डबल हो गया, छोटी रहेगी सब कहना है, कितनी बड़ी छुट्टी देगी लोग, सफाई करोगे पता चलेगा, झाड़ू भी लगना वो तो हमें पता चलेगी ना, झाड़ू भी नहीं लगना। सनेश का घर बहुत अच्छा होगा, सनेश का घर बड़ा होगा, बन गया उसका रूम तो भी आ गया, छुट्टी भी हो गई इधर। हाँ अभी शिफ्ट टाइम लगेगा, फिर ऊपर जाती पहले और जगह दिल्ली के हिसाब से देखिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है ये इलाका, कोई ऐसा इलाका नहीं है कि भाई यहाँ मन लगे ऐसा नहीं है। कहाँ पे यहाँ बस यही हमारी गली साफ है, अब ऐसे हमारी साफ है हमें क्या लेना, पीछे पूरा ही गंदा है, पीछे देखा मैंने एक दिन गली में ओए हाय 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 मैं ये साफ रह रहे हैं, कोई भी बता दो ये साफ, मैं तो कह रही पीछे पूरा गंदा है, पीछे क्या इधर चले जाओ तो कहीं चले जाओ, पिंकी के यहाँ देख लो ये माई दो तीन गलियां थोड़ी बड़ी बड़ी है ना साफ है, बाकी यहाँ से और नाले तक साफ है, जितना शिवाजी पार्क लग रहा है ना उतना ही साफ है, क्या खाएगी अब बस भाभी जल्दी बता, अरे बताना चलते हैं बताना फिर इतने में ले आएंगे इतना। आप लोग सुनो खा लो भाई, एक इडली खा लो, एक इडली एक